Hello dear students, good afternoon to all of you. Thought of the class: confidence and hard work is the best medicine to kill the disease called failure. It will make you a successful person. It means confidence और हमारा hard work एक बहुत अच्छी medicine है जो कि हमारे failure यानी कि असफलताओं को हराता है या फिर असफलताओं को मारता है और जो कि हमें कहाँ ले जाएगा, एक सफल व्यक्ति या सफल कदम की ओर या सफल मंजिल की ओर हमें ले जाएगा, है ना। आज की हमारी क्लास का मोटो है, समस्या का गुलाम बनने वाले कभी खुद के भाग्य का निर्माता नहीं बन पाते। इसलिए आप समस्याओं का गुलाम ना बने और उन पर विजय प्राप्त कर अपने उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ें। चलिए बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूज़ ऑफ बाय के लिए। बाय का जो अर्थ होता है वह सामान्यतः के द्वारा होता है ना, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं, द्वारा के लिए, ठीक है। अब अलग अलग और यूजेस हैं तो वो मैंने यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। जैसे पहला हमारा है कि यातायात या वाहन का इस्तेमाल करते हैं तो हम बाय लगाते हैं, जैसे कि बाय कार, इस टाइप से, है ना। और कर्मवाच्य यानी कि जब पैसिव वॉइस सेंटेंस वॉइस हम पढ़ेंगे, वत पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, है ना। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहाँ पे भी हम बाय का यूज करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, इस्तेमाल तक समय से पहले के अर्थ में भी किया जाता है, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस में करते हैं ना। और होकर गुजरना, जैसे पास बाय, है ना, ऐसे होकर गुजरना के लिए भी हम क्या कर देते हैं, बाय का यूज कर लेते हैं। क्लियर, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला एग्जांपल, मैं यहाँ ट्रेन से आया। अब यहाँ पे देखो साधन की बात चल रही है तो आया मतलब पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो आई केम हेयर बाय द ट्रेन सेकंड फॉर्म आ गई, बाकी सेम ही है, साधन से आया तो बाय द ट्रेन। क्लियर, राज अपने बड़े भाई के द्वारा पीटा गया। अब देखो ये पैसिव वॉइस है ना, तो राज वॉज बीटन बाय हिज एल्डर ब्रदर, ठीक है, ये क्या है, पैसिव वॉइस है। वह सुबह 6 बजे तक निकल जाएगा तो क्या बनेगा, ही विल लीव बाय 6 o'clock इन द मॉर्निंग। ये देखो फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात की जा रही है ना। और हमने जब अभी पढ़ा था कि फ्यूचर के लिए हम क्या कर देते हैं, टाइम के साथ बाय लगा देते हैं। क्लियर, हर शाम को मैं स्कूल से होकर गुजरता हूँ। अब कहीं से होकर गुजरना, आई गो बाय द स्कूल एवरी इवनिंग, है ना, तो ये भी किसी के पास से या समीप से गुजरना, बाय। नेक्स्ट है हमारा बीनीथ एंड अंडरनीथ, दोनों का सेम ही सेंस निकलता है ना। इसका के नीचे, है ना, के नीचे को पूरी तरह से छुपाते हुए अर्थ के उपयोग होता है ना, मतलब कि के नीचे ना निकल रहा हो, लेकिन मतलब छुपाना है कि के नीचे का सेंस समझ में ना आए लेकिन निकल वो ही रहा हो, है ना, तो वहाँ पे हम बीनीथ या अंडरनीथ का यूज कर लेते हैं। दोनों का सेम ही अर्थ है, दो में से कोई भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, मेरा कमरा आपके कमरे के नीचे है, है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, माई रूम इज़ अंडर नीथ योर रूम, है ना। अब जस्ट नीचे है ऐसा नहीं कह सकते कि ये मेरा रूम है, है ना, और ये आपका रूम है तो आपका ऊपर है, तो इसके जस्ट नीचे ही मेरा रूम है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, यहाँ भी हो सकता है ना। पेन मेरी कापी के नीचे है, ठीक है, तो पेन मेरी कापी के नीचे, के नीचे के अर्थ में बीनीथ लगा दिया यहाँ पर भी, द पेन इज़ बीनीथ माई कॉपी, पैसे तक ये के नीचे हैं, तो द मनी इज़ अंडर अंडरनीथ पिलो, है ना, बीनीथ है अंडरनीथ, जो भी आपको अच्छा लगे वो यूज आप कर सकते थे। क्लियर, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना, और ये जो यूजेस हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन, है ना, ये भी आपको समझ में आ रही होंगी। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो शायद ये वाला वीडियो हमारा पहली बार देख रहे होंगे, पहली बार वॉच कर रहे होंगे, है ना, तो आप सबसे निवेदन रहेगा कि आप मेरे पुराने वीडियोज़ प्ले कीजिए प्ले स्टोर में, सॉरी आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के वहाँ से आप देख सकते हैं, है ना, और वहाँ से आप क्या करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है सारे वीडियोस की, प्रीवियस वीडियोस भी आप देखिए, जिससे आपको क्या होगा कि जो भी आपके डाउट हैं यानी कि सेंटेंस जो आप नहीं बना पा रहे हैं वो सेंटेंस भी आप बनाने लगेंगे या कैपेबल हो जाएंगे सेंटेंस बनाने के। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें
ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।